मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश पर आज फिर एक घोटालेबाज अधिकारी के ठिकानों पर स्पेशल विजिलेंस यूनिट की छापेमारी की गई। दरअसल यह पूरा मामला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में आया था। एक शख्स ने भ्रष्टाचार को लेकर भभुआ नगर परिषद के पूर्व कार्यपालक अधिकारी अनुभूति प्रसाद श्रीवास्तव के खिलाफ शिकायत की थी। उसके बाद मुख्यमंत्री ने तत्काल पूरे मामले में कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। अनुभूति श्रीवास्तव इन दिनों हाजीपुर नगर परिषद के कार्यपालक अधिकारी के पद पर थे, लेकिन 18 अगस्त को उन्हें निलंबित कर दिया गया था और आज 1 सितंबर को विशेष निगरानी इकाई के द्वारा इनके विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। यह पूरा मामला करोड़ों की आय से अधिक संपत्ति का है। अभी तक छापेमारी में बरामद संपत्तियों की जाँच का खुलासा नहीं किया गया है। घर पर चल रहा जी, और जो भी जानकारी आपको विशेष निगरानी इकाई से मिलेगी। आप लोग विशेष निगरानी इकाई से? हाँ। कितने अधिकारियों की टीम लगी है यहाँ पर? यहाँ पर 10 अधिकारी हैं। 10 अधिकारी नेतृत्व कौन किस स्तर के अधिकारी का था? DSP रैंक के पदाधिकारी। प्राइम ऑफेंसी फाइंडिंग्स क्या रही थोड़ी सी जानकारी? ये विशेष जानकारी आपको हमारे विशेष निगरानी इकाई के ऑफिस से मिल जाएगा। आय से अधिक संपत्ति का मामला? आय से अधिक संपत्ति का मामला। कितना क्या कुछ प्रॉब्लम? अभी हम लोग कुछ नहीं बता सकते इसके मामले में। हाँ, और कई जगह चल रही है अभी? अब इसके बारे में डिस्क्लोज नहीं करेंगे। आपको जो भी जानकारी है विशेष निगरानी का ही दरोगा राय पत्र से आपको मिले। एक अंतिम बीमारी शुरू हुई है, आप लोग हमें सहयोग करें। ये कुछ जानकारी सर, एक अंतिम सवाल बस, क्या राज्य के बाहर भी छापेमारी चल रही है? बस अभी हम आपको मतलब ये कॉन्फिडेंशियल बात है, जो भी आपको जानकारी है आपके साथ पूरा सहयोग है हम लोगों का। ठीक, और आपको आपको जानकारी दी। ठीक ठीक, थैंक यू, चल जाए। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।